जन्माष्टमी पे आपको पता है भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, तो व्यूवर्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। भगवान कृष्ण आपको संघर्ष करने की सद्बुद्धि दे और आप एकदम लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई के लिए बिल्कुल फोकस्ड होके, और ध्यान रखना माय डियर, स्पष्ट बात लिखी गीता में, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, नहीं मिलेगा जिंदगी में आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, सब साइड में, सिर्फ मैं मेरी पढ़ाई, मैं मेरी पढ़ाई, सारे काम बाद में, पहले अपना काम करना है, दोस्तियारी में नहीं रहनी है, पहले अपना काम बाद में दूसरों का काम। तो अल्टीमेटली आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, प्राकट्य उत्सव देखा है ना हमने भैया, जीवन में तो संघर्ष रहेगा ही, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण का जीवन देखो आप, तुमने सुना बचपन से अभी तक कितने सारे, आपको 2000 साल हो चुके हैं कलयुग को स्टार्ट हुए, कभी सुना है क्या, बचपन से ही 7 भाइयों को मार दिया गया, जेल में जन्म हुआ है, सुना आपने कभी ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली ये है कि संघर्ष का नाम जीवन है, जीवन ही क्या है, संघर्ष। राम जी का जीवन देखो, 14 साल की उम्र में लोग ठीक है अलग अलग विद्याएं सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन भगवान राम को देखो आप, 14 वर्ष कितनी युवा अवस्था थी वो, समझ में आ रहे ना, मतलब कि वो होंगे नियर अबाउट 15-16 साल के होंगे, ज्यादा एज नहीं थी उनकी। तो जब भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो आपने देखा होगा कितना हैवी रेनफॉल आर दियर, ऑलराइट, और सो मेनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आर दियर, समझ में आ रहे ना, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उनकी जो माँ थी मतलब कि देवकी, तो उनको पीड़ा कितनी हुई थी माय डियर, समझ में आ रहे ना आपको, अब वो सोचो माय डियर, कोई मदर है अभी नई नई बेबी हुआ है उनको, लेकिन उसके सामने उसके बच्चे को ले जाकर कोई मार रहा है और वो उनके हाथों में बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, कैसा फील हुआ होगा माय डियर, सोच रहे ना, सोचो उसको, इमेजिन करो, थिंक बिफोर यू, मतलब थिंक फॉर अ वाइल, कि आप थोड़ा तो सोचो उसको कैसा वहाँ पर इन्वायरमेंट होगा माय डियर, कितना कष्ट हुआ होगा भगवान को, भगवान की माँ को, एक बच्चे को मारा, दो बच्चे को, 3, 4, 5, 6, फिर नंबर पे भगवान कृष्ण आए, और आपको पता है मैडी जो वैष्णो देवी है वो भगवान कृष्ण की बहन है, पता है मैडी भगवान कृष्ण की वो बहन है। तो अल्टीमेटली ये है कि मैडी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब एक बच्चा मुझसे बोल रहा था कि सर ये अपना ट्रिग्नोमेट्री में, सर ट्रिग्नोमेट्री किसने बनाई है, संघर्ष का नाम ही जीवन है, जीवन का नाम ही संघर्ष है, पढ़ना पड़ेगा यार, तपना पड़ेगा। एक किसने बात कही बहुत शार, If you shine like a sun, तो first you burn like a sun. सूर्य की तरह चलना है तो सूर्य की तरह चलना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहती हो innovative form, ठीक है। तो ultimately जन्माष्टमी की अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, wish you all the very best, you can do anything and everything. छुट्टी।